फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरडी क्लासेस। मेरा आज का जो लेक्चर है वो महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 सर्कल, ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स 2 में। देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में भी फिलहाल आ सकता है और आने वाला भी है। तो देखो ध्यान से, पहले आपको समझना क्या है, पहले आपको समझना ये है कि सर्कल होता क्या है, सर्कल यूज़ क्या करते हैं हम लोग, और सर्कल में रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड क्या क्या होता है। देखो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर समझो एक मैं सर्कल निकालूँ, समझो ये सर्कल मेरा है, अगर सर्कल में ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर। सेंटर ऑफ सर्कल से टच हो जाए कोई भी, अगर सर्कमफेरेंस को कोई भी नाम, अगर नाम आप टच करोगे, कोई भी लाइन टच करोगे आप, तो क्या हो जाएगा वो आपका रेडियस। समझो अगर मैं इसको यहाँ टच कर रहा हूँ तो भी आपका रेडियस है, अगर इसको यहाँ टच करोगे तो भी आपका रेडियस है, ऐसे टच करोगे तो भी आपका रेडियस है, और ऐसे करो तो भी आपका रेडियस है, और ऐसे करूँगा तो देखो अगर ये लाइन, ये फुल लाइन हो गए तो क्या हो जाएगा मेरा डायमीटर, लेकिन हाफ लाइन अगर होंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ये रेडियस। समझे, सेंटर के किसी भी नंबर से अगर सर्कमफेरेंस, किसी भी लाइन से अगर सर्कमफेरेंस को टच हो रहा कोई नंबर या कोई लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा रेडियस। लेकिन वही अगर डबल हो जाएगा, समझो अगर ये मैंने साइन यहाँ पे टच किया ये लाइन, अब ध्यान से देखो ये मेरा क्या हो जाएगा रेडियस, लेकिन अगर इसी को मैं डबल कर दूँ इसी लाइन को तो क्या बन जाएगा मेरा ये डायमीटर। समझे, अगर समझो, हाँ एक और चीज़ है, एकदम स्ट्रेट रहेगा, क्यों मालूम है, देखो अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा क्या है सेंटर, ये अगर रेडियस होगा तो एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट इसी से टच होता है, कौन रहेगा हमारा डायमीटर। डायमीटर हमेशा रेडियस से क्या होगा डबल, बराबर। अब एक और चीज कन्फ्यूजन मालूम क्या रहता है कि सर ये क्या है, देखो ये हमारा क्या है कॉर्ड, कॉर्ड मालूम क्या होता है, जो हमारे सेंटर ऑफ सर्कल से होकर नहीं जाएगा वो मेरा कॉर्ड होगा। कॉर्ड हमेशा, कॉर्ड कभी भी सेंटर ऑफ सर्कल से होकर नहीं जाता तो मेरा कॉर्ड बनता है। देखो अगर यहाँ पे मैं कॉर्ड बना सकता, ये भी मेरा कॉर्ड है, अगर बोलूँगा ये तो ये भी मेरा कॉर्ड है, और अगर ऐसा बना दो तो ये भी हमारा कॉर्ड है, बराबर। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई नंबर जो मेरे सेंटर से होकर नहीं जा रहा हो वो मेरा कॉर्ड है, बराबर। लेकिन एक और चीज़ इसमें आपको समझना क्या है कि अगर समझो कुछ लोगों का कन्फ्यूजन कैसा था उन्होंने क्वेश्चन, लोगों का कन्फ्यूजन क्या रहेगा, अगर ये मेरा सेंटर है, बराबर, ये आपका क्या है कॉर्ड, तो बहुत लोग लगेगा सर ये तो हमारा, आपने बोला था ना कि सेंटर से होकर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये रेडियस। बहुत लोग ये लगता है ना कि सर सेंटर से होकर तो जा रहा है तो हमारा रेडियस ही हो गया, लेकिन नहीं, ये मालूम क्या है आपका, आपका लाइन क्या है मालूम है, आपका लाइन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल, ये खाली देख क्या दिखाता है कि कॉर्ड और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में कितना डिस्टेंस है, बस वो दिखाता है, ये आपका रेडियस नहीं है। समझे, अगर इसी में मैं ऐसा बना दूं ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये आपका रेडियस है जो इससे और इसको टच करे, देखो ध्यान से ना, सर्कल के सर्कमफेरेंस को जो टच करेगा मेरा क्या हो जाएगा रेडियस, और ये मेरा क्या है, ये है आपका, ये लाइन क्या है मालूम है, आपका लाइन ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड। वही अगर मैं आपको बता दूँ, अगर इस लाइन को मैं फुल कर देता ऐसा आगे, तो क्या बन जाएगा आपका ये डायमीटर। समझे, एक सर्कल में कुछ चीज़ों को समझना है, समझना क्या है, आपके आपका जो कॉर्ड है ना कॉर्ड, उस कॉर्ड पे कभी भी आपका ये दिख रहा है ये नंबर, ये आपका क्या नहीं बनेगा, आपका ये रेडियस नहीं बनेगा, ये आपका रेडियस नहीं है, रेडियस आपका ये है, बराबर। अगर इसी रेडियस को मैं डबल कर दे तो क्या बन जाएगा आपका डायमीटर। समझे, इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है देखो क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। देखो क्या उसने बोला है कि कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से कितना है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ ना कि ये मेरा कॉर्ड है ए बी, समझ लो ये मेरा ए बी कॉर्ड है, ए बी का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल से कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो देखो ना ये हो गया ना हमारा, मुझे ये तो दिखाना था उसने पहले, एकदम स्टार्टिंग सेंट में क्या बोला उसने, यही बोला कि अ डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारा ए बी कॉर्ड है, ये मेरा सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल है, इन दोनों के बीच में क्या ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, ये पहला आपका हो गया। सेकंड उसने क्या बोला कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, देखो उसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ये नंबर आपका क्या है रेडियस, आपको फाइंड क्या करना है डायमीटर, मतलब आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसका जब आप डबल करोगे तब क्या आएगा आपका डायमीटर, मुझे उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो, देखो ये क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, देखो मैंने आपको बताया ना कि ए बी आपका क्या कॉर्ड है, कितना है 12 सेंटीमीटर, अगर ओ और पी, ओ और पी क्या है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, बराबर। एक लाइन मैंने लिखा है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा था, देखो अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक परपेंडिकुलर, देखो आपको दिख रहा होगा कि ओ और पी ये किसको परपेंडिकुलर है, ए बी को, जब ओ पी ए बी को परपेंडिकुलर है हमने ड्रॉ किया है तो ये हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री, इससे मालूम क्या होगा आपका जो कॉर्ड है वो इक्वल डिवीजन हो जाएगा, इक्वल डिवीजन दो पार्ट में हो जाएगा। इससे मालूम क्या होगा, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना होगा 6 सेंटीमीटर। बहुत से लोग को इसको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर समझो इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, क्या मेथड है मालूम, ध्यान से देखो, अगर आपने ये लिखा है कि आपका ओ पी, ये जो ओ पी है ना ये
किसको परपेंडिकुलर है, ए बी को, बराबर। तो एक और मेथड आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपली देखो यहाँ से यहाँ पर इसको आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। देखो क्या करोगे, ए और बी आपका क्या फुल लाइन है, कॉर्ड है, मैंने यहाँ क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए बी का कैसे बना आपका कॉर्ड, ए बी कैसे बना है, ए पी प्लस पी बी, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ए पी प्लस पी बी। अब यहाँ से देखो मेरे पास ना ए बी का वैल्यू है, इन दोनों का वैल्यू नहीं है, देखो मैं से क्या करूँगा, इसमें लिखूंगा कि ए बी, सॉरी आपका ए बी कितना है, आपका ए बी है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा मैं ए पी प्लस ए पी, यहाँ लिखूंगा मैं ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके अब ए पी, ए पी कितना होगा, 2 ए पी, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 12 इज इक्वल टू 2 ए पी, तो यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या बनेगा वो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा वो 12/2 इज इक्वल टू ए पी, तो आपका ए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये कैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये लिखे हो अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो सिंपली आपको पता होगा ए बी आपका 12 है, तो आपका ए पी और पी बी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा वैसे, ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। ओके अब और देखो आपको उसने फाइंड क्या करने बोला मुझे, डायमीटर, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा उसका रेडियस, देखो ये मेरे पास नहीं है क्योंकि देखो मैंने ए पी कितना निकाला, अब भी निकाला ना, ए पी और पी मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, बराबर। ये आपके पास क्या है, 8 सेंटीमीटर आपको निकालना, ये है 3, इनकेस आपको अगर रेडियस निकालना है, अगर ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है ना, तो क्या उसके डायरेक्टली हम लोग देखो, अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, पाइथागोरस, सिंपली कुछ नहीं करोगे, क्या करना ध्यान से देखो, देखो क्या इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल, देखो ध्यान से ट्रायंगल ओ ए पी में मैं एंगल ओ पी ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे लिखूंगा एंगल ओ ए सॉरी ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो ओ पी ए मेरा क्या है 90 डिग्री। अब मैं क्या यूज करूँगा यहाँ पर, पाइथागोरस क्या लिखूंगा ऐसे, देखो ध्यान से लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है, एक और चीज आपको ध्यान देना यहाँ पर जरूरी है फॉर्मूले में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है तो इसके सामने के साइड क्या बनेगा हमारा, हाइपोटेनस, बराबर। सबसे पहले पाइथागोरस में क्या होगा, आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा मैं ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अगर आप सबसे बड़ी साइड लोगे तो इसका क्या करना आपको, ये और ये साइड का एडिशन कर स्क्वायर करके एडिशन करना है, क्या करूंगा मैं ओ पी प्लस ए पी, क्या लिखूंगा मैं ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम क्या लिया, पाइथागोरस थ्योरम में ये देखो ध्यान से यहाँ लिखा है ओ ए, ओ ए का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, हो गया इतना। अब यहाँ से देखो ओ ए का आपको क्या दिया है, ओ ए आपको क्या दिया, कुछ भी नहीं, आपको वही निकालना है ना, क्या करोगे उसको ऐसे लिखो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से अब यहाँ पर ओ पी आपको क्या दिया, ओ पी, ओ पी मैंने निकाला है सेंटर ऑफ सर्कल कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना है आपके पास 6 स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिखा है ए पी, ए पी और पी पी दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ गया 6 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 6 का कितना होता है 36, देखो 8 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 8 जा 64, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 जा 36, दोनों का ऐड कर दो कितना हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बराबर। आपको इतना पता होगा ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे स्क्वायर में स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनता है रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो आपका ओ ए कितना आ गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, समझे यहाँ पर, देखो आपको ओ ए, ओ ए आपका क्या है ए और ओ, ये आपका क्या है रेडियस, रेडियस आपको कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, आपको बताओ आप बिना इसको सॉल्व किया बता सकते हो कि इसका डायमीटर कितना आएगा, कितना आ सकता है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस का ही डबल डायमीटर होता है, तो आपके पास रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर, कैसे लिखोगे इसमें, देखो आप उसको लिखना कैसे कि यहाँ पर आपका डायमीटर क्या दिया, देखो ध्यान से निकालना, आपको लिखा है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ओ ए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू रेडियस, बराबर। अब आपको आपका रेडियस या फिर आपका ओ ए कितना आया है, आपका ओ ए कितना आया है 10 सेंटीमीटर, क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप 10, तो 2 10 कितना होता है 20 सेंटीमीटर आपका क्या है ये रेडियस, समझे, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट आपका ही डायमीटर आ गया, हाँ 20 सेंटीमीटर इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे आपका, देखो मैं क्या ले रहा हूँ फिलहाल ना, आपका है पैटी सेट 1, पैटी सेट 6.1 आपका,
इसमें का मैंने पहला क्वेश्चन आपको सिखाया, आपका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, देखा देखो ध्यान से। इसमें क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। अब आपको डायमीटर दिया दे रखा है, आपको मैंने बताया ना कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ, सिंपली एकदम। अब क्या होगा उसने, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज ऑफ द सर्कल इज कितना लिखा है 24 सेंटीमीटर। देखो कॉर्ड का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, बरोबर। आपको डायमीटर क्या दिया उसने 26 सेंटीमीटर, बरोबर। इसका मतलब आपके पास रेडियस है फिलहाल, अब क्योंकि आप रेडियस निकाल लोगे। आपको निकालना क्या है इस बार, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, बरोबर। आपको क्या निकालना है, ये आपका कॉर्ड है ए बी, और आपका ओ क्या है, और ये ओ और पी क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर एंड कॉर्ड। देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ सर्कल ओ है और आपका कॉर्ड क्या है ए बी, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो उसने पूछा इस बार। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको मैंने बताया, यहाँ पर क्या बताया कि आपको डायमीटर कितना दिया उसने, डायमीटर आपको दिया है यहाँ पर 26 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि डायमीटर अगर 26 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, कैसे लिखूंगा मैं कि यहाँ क्या लिखूंगा, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू। तो क्या आपका डायमीटर कितना है 26 अपॉन टू, कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, समझे। आपका डायमीटर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, ओके। अब एक और चीज़ आपको जानना है, यहाँ पर अगर आपके पास अगर रेडियस कितना, आपका रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। देखो मैंने कैसे निकाला, आपको डायमीटर दिया दे रखा था, कितना दिया था उसने 26 सेंटीमीटर, मैंने उसको हाफ कर दिया, क्या हो गया 13। इसका मतलब क्या है, आपका ये डायमीटर, सॉरी आपका रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर है, बरोबर। उसने फिर से देखो एक और चीज़ दिया, क्या दिया ना आपको, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड देखो आपको क्या है, कॉर्ड ए बी आपको क्या दिया उसने 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन आप में से क्या होगा ए पी और पी बी आपका क्या होगा 12 एंड 12 सेंटीमीटर, 12 12, कैसे हो जाएगा। मैंने देखो एक और चीज़ लिखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कोई भी नंबर परपेंडिकुलर, कैसे है ना, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ है किसी भी सेंटर ऑफ सर्कल में तो क्या हो जाएगा, वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपली। तो अगर ये 24 है तो ये नंबर क्या होगा मेरा 12, ये क्या होगा 12। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, समझे इतना, ये हो गया आपका यहाँ तक। अब मुझे निकालना क्या मालूम है, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, निकालना मुझे क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल, बस ये निकालना है। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल लूँगा, कौन सा ट्राइंगल, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ ए पी, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने ओ ए पी, कौन सा ओ ए पी, इसमें क्या लिखूँगा मैं ओ पी ए, ऐसे लिखूँगा ध्यान से देखो, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है मैं क्या यूज करूँगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम, फिर से यूज़ करूँगा भाई, लिखूँगा क्या लिखूँगा ध्यान से देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बरोबर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से देखो ये अगर 90 डिग्री है, बहुत लोग मालूम क्या करते हैं, अगर वैल्यू यहाँ दिया तो सोचिए सर ये तो नहीं है, यहाँ तो कुछ और होगा, फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रहे, आप कहीं पर भी दे। देखो पिछली बार के क्वेश्चन में क्या था, पिछले बार क्वेश्चन में आपको ये दिया था और ये दिया था, मुझे ये निकालना था, लेकिन इस बार के क्वेश्चन में आपको ये दिया है, ये दिया, आपको ये निकालना है, तो भी फॉर्मूला आपका सेम ही आएगा, फिर भी एकदम सेम, कुछ चेंजेस नहीं। पहले क्या लिखोगे आप ओ ए, यहाँ क्या आ जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, अब क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, हो गया इतना। अब आपको पता है, अब आपको इस बार ओ ए दिया हुआ है उसने, मतलब आपको रेडियस दिया है, रेडियस कितना आपका 13 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ पी कितना है, नहीं है सर वही तो निकालना है, देखो ओ पी आपको निकालना है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे आप ओ पी का स्क्वायर प्लस ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, बरबर, 12 का स्क्वायर हो गया, बरबर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 13 × 13 कितना होगा, ये 169 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 144, क्यों, देखो ध्यान से 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो कितना 144 हो जाएगा। आपको पता होगा एक और चीज़, ये नंबर यहाँ प्लस में है, वो यहाँ आके क्या बनेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 169 - 144 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से 169 में से 144 माइनस करते हो, आपको ऐसे क्या बताना चाहिए 25, समझे, तो आपका ऐसे यहाँ क्या आएगा 25 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, समझे इतना, कैसे 25 आया, मैंने क्या किया 169 - 144, तो आपको 25 आ गया आंसर। एक और चीज़ आप देखो क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या है ओ पी स्क्वायर में, स्क्वायर यहाँ के क्या बनेगा वो रूट, तो कैसे हो जाएगा ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसे होगा ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, समझे। अब आपको पता होगा कि 25 रूट में 12 के क्या बनता है 5 बनता है, 12 के क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आपका
आंसर है। तो अब लिखोगे कैसे, लास्ट में लिखोगे कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देखो ऐसे लिखना है आपको, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। देखो निकाल के लास्ट में एकदम, आपका आंसर ये, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया, समझे। नेक्स्ट देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या दिया आपको ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। आपका रेडियस क्या है, 34 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, आपका ओ ए या फिर ओ बी दोनों क्या आपका 34 सेंटीमीटर। सिंपली उसने क्या पूछा, अब क्या उसने और क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। मतलब आपका कॉर्ड है ना, ओ और पी आपका कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको इस बार निकालना क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपको लेंथ निकालना कॉर्ड का। इसे मतलब क्या करूँगा, सबसे पहले ध्यान से देखो कि अगर मैं ऐसा लिखाऊँ, आप अगर समझे यहाँ पे गिवन में क्या लिखते हैं, क्या क्या लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पर आपको रेडियस क्या दिया हुआ है, आपको रेडियस जो आपका ओ ए या फिर उसको बना दो या फिर उसको बनाओ मैं ओ बी, आपका कितना है दोनों, आपका दोनों है 34 सेंटीमीटर। देखो आपको रेडियस क्या दिया उसने, ओ ए या फिर ओ बी, दोनों क्या है आपका रेडियस है, उसने आपको कहते हैं 34 सेंटीमीटर। आपका डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कितना है 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, Distance of cord from circle कितना है आपके पास 30 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर, ओके देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपके पास ओ ए और ओ बी दोनों आपका क्या है 34 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको एक और चीज़ पता होगा कि अगर ओ पी ये ए बी को किसको है परपेंडिकुलर, मतलब एक चीज़ देखो इसके पहले लिख के दिया था ना, अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एकदम इक्वल पार्ट में। इसका मतलब आपका क्या है, लिखूंगा मैं ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, बराबर ए पी प्लस पी बी। इसका मतलब मैंने कहा दिया आपको कि आपका ए पी और आपका पी बी दोनों क्या है इक्वल है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखूंगा मैं ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो इसका इनडायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस ए पी। अब ए पी क्यों लिखा दो बार मैंने यहाँ पर, क्यों लिखा ध्यान से देखो यहाँ पर ए बी लिखा था मैंने, ए बी लिख दिया आपका ए पी आ गया, आपका जो पी बी है देखो पी बी मुझे क्या दिया है ए पी, तो मैंने वापस से वही लिख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो प्लस में ना कुछ नहीं, मतलब वन है यहाँ कुछ नहीं तो वन, क्या हो जाएगा वन ए पी और वन पी क्या हो जाएगा टू ए पी, क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू टू ए पी। अब इसको समझो आप, पकड़ के रखो कहाँ मालूम मैं इक्वेशन वन के लिए, ओके यहाँ तक तो आपका क्लियर है, कैसे किया मैंने, ये आपका रेडियस है या आपका सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल देखा ना डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर। मैंने इसको क्या निकाला कि ए बी इज इक्वल टू टू ए पी, जैसे निकाल दिया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये ए बी, अगर मुझे ए मिल जाएगा ए पी तो उसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा आपका ए बी, सिंपली ना। क्या करूँगा मैं ध्यान से देखो, आपको अगर ए बी निकालना है, सॉरी आपको ए बी निकालना है, आपका ए बी का डबल कर दो आपको क्या मिल जाएगा ए पी का डबल करो ए बी मिल जाएगा। अब कैसे करूँगा, वापस से वही करूँगा, कौन सा मालूम है ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी ए, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने ओ पी ए, ओ पी ए में क्या हो जाएगा ध्यान से देखो यहाँ पर, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर क्या उसको डायरेक्टली में बाय पाइथागोरस थियोरम्स। देखो आप क्या शुरू होगे बाय पाइथागोरस थियोरम, पाइथागोरस थियोरम के हिसाब से अगर आपका 90 डिग्री है तो सामने की साइड क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस, वही लिखूंगा मैं यहाँ करूँगा ए ओ या फिर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लिखूंगा ओ पी स्क्वायर, बराबर ना ओ ए और ओ पी स्क्वायर, फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस यहाँ आएगा ए पी स्क्वायर आपका फॉर्मूला। आपका ओ ए क्या दिया हुआ है, देखो हमने ओ ए क्या निकाला है यहाँ पर आपका 34 सेंटीमीटर, क्या आ गया यहाँ पर 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है आपके पास 30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 का स्क्वायर, बराबर अब यहाँ क्या आ जाएगा ए पी स्क्वायर, देखो 30 का स्क्वायर प्लस 34 का 34 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। आपको ये निकालना है, क्या करोगे 34 का स्क्वायर कितना होता है देखो क्या करना है 34 × 34 कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ आएगा आंसर 1156, ओके ये आपका आंसर 34 का, ओके। अब आपको बोला 30 का स्क्वायर क्या होता है 30 × 30 कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ आएगा 900, ओके प्लस ए बी स्क्वायर, ओके। अब
जैसे देखो एक और चीज़, 900 यहाँ पे प्लस में, यहाँ के क्या बनेगा वो माइनस, सिंपली एकदम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू AP स्क्वायर हो गया। अब 1156 में से 900 में जाएगा तो कितना बचेगा आपका 256, समझे, यहाँ क्या बचेगा आपका 256 इक्वल टू AP स्क्वायर। क्या क्या मैंने 1156 में था, आप 900 माइनस करो आपका आंसर आएगा 256 बराबर। ये नंबर यहाँ स्क्वायर में, यहाँ के क्या बनेगा वो रूट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 256 इज इक्वल टू AP, तो आपका AP कितना आएगा, आपका AP आएगा 16 सेंटीमीटर, समझे। अगर आपका AP 16 सेंटीमीटर है, अगर AP, तो आपका BB कितना होगा, यहाँ क्या लिखा ना देखो AB इज इक्वल टू AP, उसको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा देखो, यहाँ लिखूंगा मैं AB इज इक्वल टू 2 AP बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू 2 × 16, तो AB आपका कितना आएगा, आपका AB आएगा AB इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है कॉर्ड, समझे, आपका कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है आपका 32 सेंटीमीटर। कैसे किया मैंने, अगर आपको AP 16 मिल गया उसका डबल मैंने कर दिया, आपका आंसर आ गया 32, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 611 में, वो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे पूछोगे जरूर, लेकिन फिर आपको सॉल्व करना है, समझे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही या नहीं आ रही। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 मान में क्या है कि आपको एक सर्कल है, सर्कल में आपको रेडियस क्या दिया उसने 41 सेंटीमीटर, समझो आपका ये रेडियस क्या है, आपका ये भी 41 है और ये भी आपका क्या है 41 आपका रेडियस बराबर। अब उसने क्या दिया आपको कॉर्ड, आपका कॉर्ड क्या है इसमें PQ आपका कॉर्ड है, कॉर्ड आपका PQ कितना है 80 सेंटीमीटर, तो आपको हमने बताया ना कि आपका सेंट्रल सर्कल क्या है OM, ये किसको परपेंडिकुलर है PQ को, अगर OM PQ को क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ये जो PQ है ना PQ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर आपका PQ 80 है तो PM क्या हो जाएगा 40, इनकेस क्या हो जाएगा PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। उसने मालूम फाइंड करने क्या पूछा मुझे, जो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, ये पूछा उसने कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड, बस मुझे ये फाइंड करना और कुछ नहीं, तो हम लोगों ने जैसे सेकंड क्वेश्चन किया ना सेम टू सेम फोर्थ क्वेश्चन हमारा वैसे ही है, और कुछ नहीं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, समझे, इसको सॉल्व कर नहीं दे रहा हूँ। देखो उसमें 6.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज ओ, देखो दो सर्कल है आपके पास, एक क्या आपके पास स्मॉलर सर्कल, ये आपका क्या है बिगर सर्कल बराबर, इन दोनों का सेंटर हमारे पास क्या है ओ बराबर। अब उसमें क्या हो रहा है कॉर्ड AB और बिगर सर्कल, AB हमारा क्या है बिगर सर्कल और कॉर्ड क्या है आपका PQ क्या है स्मॉलर सर्कल, वो किसको इंसर्ट कर रहा है हमारे पॉइंट M पे बराबर, इसमें ना पॉइंट P और Q इन दोनों का इंटरसेक्शन है बराबर। आपका OM क्या है, OM क्या आपका फिर से वही क्या है आपका मालूम है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपका OM है बराबर। मैंने उसको क्या किया अभी फिलहाल कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपको ज्वाइन करके नहीं दिया हुआ था, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, मैंने एक और ये लिखा है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपको मैंने बताया क्या मालूम है इसके पहले भी कि अगर ये OM अगर AB को क्या है परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा वो AB को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो क्या बन जाएगा वो AM और MB ऐसे हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा ऐसे लिखूंगा अगर मैं कि देयरफॉर ऐसे लिखूंगा मैं कि OM किसको परपेंडिकुलर है AB को बराबर, अगर OM बराबर ये AB को परपेंडिकुलर है तब क्या हो जाएगा AM और MB दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ लिखूंगा मैं AM इज इक्वल टू MB, या फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, समझे मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया AM और MB दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हमारा क्या था बिगर सर्कल, लेकिन अगर बोलूँगा स्मॉलर सर्कल अल्सो, देखो आपका जो छोटा सर्कल हो क्या है आपका ये वाला छोटा सर्कल है ना, इसमें भी मालूम है आपका क्या है OM, ये किसको परपेंडिकुलर है हमारे PM को, तो यहाँ लिखूंगा मैं कि OM किसको परपेंडिकुलर आपको ये आपके परपेंडिकुलर है PQ को, यहाँ लिखूंगा मैं परपेंडिकुलर टू PQ। देखो ध्यान से, जैसे मैंने बड़े सर्कल के साथ किया वैसे सेम टू सेम इसके साथ भी करूंगा, आपका OM ये PQ को क्या है परपेंडिकुलर है, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि आपका जो है ना ये वाला जो लाइन है ये क्या करेगा आपके कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका PM और यहाँ लिखा PM और MQ क्या हो जाएगा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, इसलिए लिखूंगा मैं कि PM इज इक्वल टू MQ, आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2, समझे क्या क्या मैंने पहले लिखा बड़ा बिगर सर्कल का क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे बिगर सर्कल में क्या किया हमने दो पार्ट किया कैसे AM और MB, आपका इक्वेशन 1 था, सेकंड में क्या किया मैंने वापस सेम टू सेम वही OM
क्या लिखा है, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, फिर से क्या यहाँ पे पी एम एंड एम क्यू दोनों इक्वल है। अब आपको देखो यहाँ से प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। ए पी कहाँ पर आपका, ए और पी ये किसको, बी एम क्यू क्या है, इक्वल है दोनों। कैसे प्रूफ करोगे आप, आपका इक्वेशन वन दिख रहा है, आपका इक्वेशन वन और आपका इक्वेशन टू, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू का क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये साइन इससे सब्ट्रैक्ट होगा और ये इससे, ऐसे होगा। कैसे करूँगा ध्यान से देखो, ऐसे करूँगा सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू फ्रॉम, क्या लिखो यहाँ पर, वन, मतलब क्या, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड से होगा और जो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड से। तो देखो ध्यान से ना, लेफ्ट में ए एम और पी एम है, यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखूँगा यहाँ पे, ए एम माइनस पी एम, समझिएगा कैसे क्या मैंने, ए एम माइनस पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे एम बी, यहाँ लिखूंगा मैं एम बी माइनस एम क्यू, इतना हो गया। देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, पहले ए एम माइनस पी एम ये हो गया, फिर एम बी माइनस एम क्यू, इतना हो गया। आपको एक और चीज़ समझाना मालूम क्या इसमें, अब यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो ए एम माइनस पी एम, यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है उसने, ए एम बराबर, इसमें तो माइनस क्या कर रहे हो आप, पी एम, आपका बच गया क्या यहाँ पर, ए पी बराबर ना। अगर आपके पूरा नंबर ध्यान से देखो, अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इधर, अगर ये आपका क्या है ए और एम, बीच में आपका पॉइंट क्या है पी बराबर, आप ए एम में से अगर ये पूरा जो नंबर है ना आपका ए और एम, इसमें से अगर आप पी एम माइनस करोगे तब क्या क्या बचेगा ना, ये बचेगा ना ए और पी, यही तो बच रहा है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं ए पी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, वहाँ पर उस तरफ क्या लिखा है, एम बी माइनस एम क्यू, देखो यहाँ से एम और बी, ये एम बी है, इसमें माइनस क्या करना मुझे एम क्यू, तो क्या बचेगा आपका क्यू बी ना, तो क्या बचा आपका यहाँ पर, यहाँ पर आपका बचा क्यू बी। देखो मुझे यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ए पी इज इक्वल टू क्यू बी या फिर बी क्यू, समझे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, सिंपली लिखूंगा हैंस प्रूफ, समझे, क्या किया मैंने, सिंपली कुछ नहीं किया, खाली इसमें से आप कुछ को माइनस कर दो आपका ये बचेगा, इसमें जिसको माइनस किया आपका ये बचेगा, दोनों प्रूफ हो गया सिंपल, समझे। आगे देखो आपका लास्ट क्वेश्चन मालूम क्या है, कि प्रूफ दैट इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट, देखो क्या उसमें प्रूफ करना मुझे, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर क्या होता है, देखो ये आपका डायमीटर ना, ये पूरा सी और डी आपका क्या है, डायमीटर है बराबर, क्यों ना आपका डायमीटर की वर्क की, देखो ध्यान से ए बी और सी डी आपका क्या है, आपका कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, डायमीटर आपका क्या है, सी और बी बराबर। अब एक और चीज़ ने क्या बोला आपको, कि टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसमें दो कॉर्ड्स है, कौन सा, एक कॉर्ड है हमारे पास ए बी, एक कॉर्ड मेरे पास क्या है सी डी, क्या लिखा है, देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू इच अदर, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये ए बी और सी डी का दोनों एक दूसरे का पैरेलल है या नहीं है, बस मुझे इतना सब प्रूफ करना है। मैंने क्या लिखा ध्यान से, पहले आपको ये लिखना है कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखा मैंने, सेंटर ओ एंड ए बी, देखो ओ आपका सेंटर है, ए बी और यहाँ लिखा सी डी आर द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल बराबर, यहाँ लिखा मैंने, देखो ए बी और सी डी का आपका कॉर्ड ऑफ सर्कल है, आपका ओ क्या है इसका सेंटर है, आपका डायमीटर क्या दिया आपको ध्यान से देखो, आपको डायमीटर क्या दिया इसने, पी और क्यू आपका क्या है, डायमीटर बराबर। अब सी और बी ये भी आपका डायमीटर ही है, समझे, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो सर, कि सर सी और बी क्या है और पी और क्यू क्या है, ये भी आपका देखो, अगर ये आपका सेंटर से मैच कर रहा है, देखो ध्यान से डायमीटर क्या होता है, अगर समझो अगर ये ऐसे हो गया ऐसे मैच कर रहा है तो भी आपका डायमीटर है, और अगर ऐसे आ गया ऐसे आ रहा है तो भी आपका ये डायमीटर दोनों है, समझे। अगर ये सेंटर से होकर यार देखो ध्यान से ना, दोनों देखो यहाँ पे ये भी सेंटर से होके गया एस एन लाइन और ये भी आपका नंबर सेंटर से होके गया है ना, तो आपका बी और सी बी का आपका डायमीटर है और पी और क्यू भी आपका डायमीटर है, समझे, कन्फ्यूजन नहीं इसमें। अब उसने क्या पूछा है, बाइसेक्ट ए बी, ए बी को उसने बाइसेक्ट किया, देखो ए बी को बाइसेक्ट किया इसमें दो पार्ट में, क्या बन गया वो ए एम और एम बी, दो पार्ट में उसको बाइसेक्ट करके डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, और क्या लिखा सी डी, सी डी को भी उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, देखो बाइसेक्ट ए बी, ए बी को कहाँ उसने बाइसेक्ट किया पॉइंट एम पर, और सी डी को कहाँ पर उसने बाइसेक्ट किया पॉइंट एन पर, मुझे क्या पहले अब प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे का पैरेलल है या नहीं है, बस इतना मुझे प्रूफ करना। अब सबसे पहले क्या करूँगा ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि अगर ये बाइसेक्ट है तो आपको पता होगा ये वजह नंबर है ना आपका, कौन सा नंबर, ये देखो पी एम ए और पी एम बी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री बराबर, पर इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा, ओ एम ए ये आपका क्या है, ये बाइसेक्ट है ना, अगर समझे आपको पता होगा ना कि बाइसेक्ट इसके हिसाब से क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री, समझो ये होगा 90 तो ये भी आपका 90 होगा बराबर, अगर ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90, सबके सब 90 है, सारे एंगल 90 आपका, तो मैं क्या कैसे लिखूँगा ध्यान से देखो, ओ एम क्या हो जाएगा, सॉरी ओ एम ए, यहाँ लिखूंगा मैं एंगल ओ एम ए बराबर, ओ एम ए इज इक्वल टू किसको इक्वल है, ये
ओ एम ए, ये किसको इक्वल है, ओ एम बी को, यहाँ क्या लिखूंगा मैं एंगल, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझिए। अब आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, समझे। अब वही इसकी तरह ही ना, ध्यान पर देखो, इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी लूंगा तो इसमें नीचे का साइड क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे ओ एन सी बराबर, फिर यहाँ से क्या लूंगा एंगल ओ एन डी, क्या से लिया मैंने एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, समझे नहीं क्या क्या मैंने आपको मैंने बताया ना कि अगर ये ऊपर का 90, देखो ये भी तो ही होगा, ये 90 90 90 90 सबके साथ 90 एंगल, सबके साथ राइट एंगल है बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा ओ एन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन डी, समझे। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 में, देखो क्या क्या मैंने, ध्यान से इक्वेशन 1 2 को आप ऐड करोगे, क्या ऐड करूंगा, यहाँ से देखो आप इसको ऐड करो या फिर इसको, दोनों से किसी एक नंबर को ऐड कर सकते, किसी भी एक नंबर को, क्या करूंगा मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा देयर फोर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड लिखे ओ एम बी प्लस ओ एन डी इसको भी, पर मैं फिलहाल एक ही को कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना हल्का दिखाना है, प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं, बस इतना ही प्रूव करना है। मैंने क्या कहा था, देखो कि ओ एम ए, ओ एम ए प्लस क्या लिखा ओ एम सॉरी ओ एन सी, देखो ये नंबर और ये नंबर ऐसे ऐसे दिखा ना, ऐसे दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है इन दोनों का एडिशन कितना होता है, आपको पता होगा कि ओ एम ए कितना है 90 डिग्री, क्या लिखूंगा मैं इसको 90 डिग्री प्लस ये भी क्या आपका 90 है ना, देखो ओ एन सी, ओ एन सी भी आपका 90 है, तो 90 90 कितना होता है 180, कितना हो जाएगा ये 180, इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट आपका क्या कितना बन रहा है 180 बन रहा है, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा सेम टू सेम उतने बनेगा ना 180, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या है आपका जो ये कॉर्ड है दोनों क्या है एक दूसरे के सेम टू सेम पैरेलल, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि देयर फोर टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसे लिखूंगा यहाँ पर देयर फोर टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वाला क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर ये नंबर जो है दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर नीचे लिख दिया, समझे। अब क्या लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना मालूम क्या, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसका मतलब क्या है आपका ए बी और आपका सी डी दोनों कॉर्ड हो क्या है एक दूसरे के इक्वल, समझे बराबर। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो कि अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ठीक है। अब एक और चीज़ 6.1 दैट इज सेट, 6.1 मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया फिलहाल अभी, बराबर आपका 6.1 खत्म हो चुका है, बराबर 6.1 का आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। इसका प्रैक्टिस करने के बाद मैं अभी फिलहाल इसके में 6.2 है, 6.2 में भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, और 6.3 समथिंग क्या है आपका मालूम है, इन सर्कल और आउट सर्कल, ये आपको ड्रॉ करने आ जाएगा, बराबर हम उसको ड्रॉ करके यहाँ दिखा सकते हैं, तो इन सर्कल और आउट सर्कल आप ड्रॉ करोगे। 6.2 के तो कुछ 2 4 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको बाद में लूंगा, बराबर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लूंगा मैं। फिलहाल आपके जो 6 6 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए, आप इसको लर्न करो अच्छे से, तो इसको वापस से प्रैक्टिस करो आप। इसके बाद जो आपका लेक्चर लूंगा मैं 9th का जो लेक्चर लूंगा वो हमारा होगा ये फाइनेंशियल प्लानिंग का, बराबर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6, बराबर हम उस पर फोकस करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है, चलिए बाय।